Travis and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udaan. So let's make it together. Hello guys, welcome back to Wings Ek Udaan. तो दोस्तों, जैसे कि सबको पता ही है, JKPSI की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसमें यूटी JNK ने मोर देन 800 पोस्ट रिकमेंड किए हैं फॉर JKPSI. अभी तक सिलेबस आउट नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन जैसे कि हम सबको पता चल गया, फिजिकल जो है वो रिटर्न के बाद होने वाला है. लेकिन फिर भी मैं सब बच्चों को यही बोलूँगा कि जो जो बच्चे एलिजिबल हैं, वो बच्चे फिजिकल की तैयारी पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिजिकल बहुत टफ होता है, स्पेशली बॉयज का. मेरे पास जब 2017-18 की बात कर रहा हूँ, जब मेरे पास स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, मेरे पास स्टूडेंट जब पढ़ रहे थे, तब मेरी आर एस अकेडमी होती थी, मैं आर एस अकेडमी को चला रहा था, आई वॉज डायरेक्टर ऑफ आर एस अकेडमी. वहाँ पे बच्चों रिटन एग्जाम से पहले फिजिकल था लास्ट टाइम, और एक एक साल की फिजिकल प्रिपरेशन करने के बाद भी बच्चों से नहीं निकला था, इट वॉज वेरी टफ. तो सबसे पहले सजेशन यही रहेगी. और दूसरा, जो एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है, बिल्कुल घबराओ मत, एज रिलैक्सेशन होगी, ज़रूर होगी. गवर्नमेंट ज़रूर इस पर देखेगी, बहुत प्रेशर है. इवन वी विल ऑल्सो ट्राई कि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू यूटी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचा पाएं कि इतना सफ़र किया लास्ट 2 साल में बच्चों ने, तो 2 साल में जो कोविड की वजह से बच्चों का जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ख़त्म हो गया, हो एलिजिबल नहीं है, तो उसका क्या. तो वी आर विद यू, जो बच्चे प्रॉब्लम में हैं, हम पूरा सपोर्ट उनको करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इवन कि हमें आपके साथ सड़कों में भी उतरना पड़ेगा तो हम उतरेंगे. तो दोस्तों, मैं आज क्या अप्रोच होनी चाहिए अगर सिलेबस नहीं है, सिलेबस वहाँ पे मेंशन नहीं है, सिलेबस अभी आउट नहीं हुआ है, लेकिन आप एक्सक्लूसिवली तैयारी करना चाह रहे हैं JKPSI की, आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे, आपको तैयारी इसकी करनी है, तो आज से क्या पढ़ा जाए, ये वीडियो उसी चीज के लिए कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किन सब्जेक्ट्स के साथ आपको डील करना है. तो मैं अब प्रीवियस ईयर में, जो लास्ट टाइम जब JKPSI हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं उसी क्वेश्चंस को आज आपके सामने लाऊंगा और मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है, अभी फिलहाल आपको क्या स्टार्ट कर देना है. वैसे तो हमने JKPSI का कोर्स अपने विंग से उड़ान ऐप में लॉन्च कर दिया है, और वीडियोस भी वहां पे डेली बेसिस पे अपलोड हो रही हैं. अब पहले मैं कवर करता हूं कि कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको चीजें क्लियर हो पाए, जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे JKPSI के. दोस्तों, एक क्वेश्चन है, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ विच किंग. तो ये अगर मैं आपको बताऊं, तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आर्ट एंड कल्चर इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा. क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा, और आर्ट एंड कल्चर आपको रजत सर पढ़ाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू. अब आर्ट एंड कल्चर में वी विल स्टडी अबाउट द रिलीजन ऑल्सो, रिलीजन्स जितने भी इंडिया में रिलीजन्स हैं, या इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, जैसे जैनिज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदुज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, इस्लाम हो गया, इनके बारे में हमने पढ़ना है. तो यहां पर आंसर इज व्हाट? कनिष्क. देखो, पूरी बुद्धिस्ट काउंसिल्स बुद्धा जी के डेथ के बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल. तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, लास्ट काउंसिल व्हिच वाज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कनिष्क किंग. और कश्मीर में कहां हुई थी ये? कश्मीर में, याद रखिएगा आप, कश्मीर में ये हुई थी कुंडल वन में, कुंडल वन, ठीक है, 72 AD. किसमें हुई थी? 72 AD. तो अब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म और जैनिज्म स्पेशली, आपको इनके बारे में आना चाहिए, इनके काउंसिल्स के बारे में, कितनी काउंसिल. जैसे जैनिज्म में 2 काउंसिल हुई हैं, बुद्धिस्ट में 4 काउंसिल्स हुई हैं, तो हमें इस तरीके से याद रखना. अब इसके लिए क्या आपको फॉलो करना है? आर्ट एंड कल्चर याद रहेगा दोस्तों, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन इज बेसिकली व्हाट? इट इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री. क्या है ये दोस्तों? इंटरनेशनल बाउंड्री है. बोल रही है मैकमोहन लाइन में इंडिया का जिक्र किस कंट्री के साथ किया जा रहा है? तो यहां पे जो आंसर है चाइना. दोस्तों, अगर आपने मेरी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की वीडियोस देखी होंगी, पॉलिटिकल एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो वहां पे मैंने ये चीजें कवर की हैं.
ये बेसिकली जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. किसके रिलेटेड है ये? पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. मैकमोहन लाइन इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री विच इज बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना. पूरी मैकमोहन लाइन जितने भी इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है पूरी बाउंड्री को हम मैकमोहन लाइन नहीं बोलते. मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये लाइन डिसाइड थी. आपको पता है ये डिस्प्यूटेड ही है. अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोलता है कि ये क्या साउथ तिब्बत है. समझ गए आप? ये बोलते हैं ये क्या जी साउथ तिब्बत है. तो अप्रोच क्या, अप्रोच की बात करेंगे तो आपको क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है. जेकेएसएसबी कंडक्ट करवा रही है तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको आना चाहिए, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया आना चाहिए, ठीक है. और ऊपर हमने क्या कवर किया? आर्ट एंड कल्चर. ये तीन टॉपिक्स जो आपसे आप तैयार कर देंगे और हमारी ऐप में भी आपको मिल जाएंगे विंग से कुरान की ऐप में. अब नेक्स्ट एनी बेसेंट. दोस्तों बोलते हैं एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की फॉर्मेशन की थी इंडिया में वो किस पैटर्न को फॉलो करती थी? किस कंट्री में ऐसा होम रूल मूवमेंट चल रहा था जिसको फॉलो किया और उसकी फॉर्मेशन इंडिया में की? तो आंसर इज आयरलैंड. क्या है आंसर? इज आयरलैंड. अब एनी बेसेंट का अगर क्वेश्चन आए इट इज रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री. अब इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. तो इसमें हमने किसको पढ़ना? मॉडर्न को. सबसे ज्यादा फोकस हमारा मॉडर्न में होना चाहिए. और मॉडर्न में किसमें? फ्रीडम स्ट्रगल में. किसमें होना चाहिए? फ्रीडम स्ट्रगल में. तो फ्रीडम स्ट्रगल में एनी बेसेंट के बारे में, एनी बेसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है. ये एक आयरिश वुमेन थी जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी बनी थी इंटरनेशनल कांग्रेस की. और एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल मूवमेंट चलाया था. मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समझ गए? एनी बेसेंट वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया. इन्होंने मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई, सेंट्रल हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश करा. ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का क्या है? आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है. ठीक है. अब वेलकम एवरीवन. गाइस, जेकेपीएसआई की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है. अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू कर दी. और इस प्रिपरेशन में विंग से कुड़ान आपके साथ है. गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन एसआई कोर्स. मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा. और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार-फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है. दोस्तों, विंग से कुरान से पहले आई वॉज द फाउंडर ऑफ RS Academy जिसपे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है JKPSI. तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से JKPSI को देखें. तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप. उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स एक्सेस मिल जाएगा. और अकाउंट्स के न्यूली एडिट टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप. उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको एक्सेस मिल जाएगा. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बोला है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं और बोला इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं, कौन सी रॉन्ग है. जो करेक्ट है उसका ऑप्शन बताओ आप. तो इन्होंने बोला है कि भाई जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ, देखो स्वदेशी मूवमेंट का जेनेसिस किसको रिलेटेड है, कहां से ओरिजिन हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल. इट वॉज बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट वॉज बेसिकली एंटी पार्टीशन मूवमेंट. ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट का 1907 में स्टार्ट हुई थी. ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है इसके टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने सॉन्ग कंपोज किया था, उसका नाम था अमर सोनर बांग्ला. इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग कंपोज नहीं किए थे, इन्होंने कुछ ही सॉन्ग को, एक ही सॉन्ग कंपोज किया जिसका नाम था अमर सोनर बांग्ला. उसके अलावा इन्होंने बोला कि इन्होंने अपना नाइटवुड टाइटल वापिस दे दिया था, रिनाउंस कर दिया था. किसको, किसका दुख मनाते हुए? जलियांवाला बाग मैसेकर का. इट इज राइट, सेकंड ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग. और थर्ड इन्होंने क्या बोला
थर्ड इन्होंने बोला कि इन्होंने नोबल प्राइज एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया था. नहीं, अगर आप देखेंगे तो ही वॉज द फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन टू रिसीव नोबल प्राइज. तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज सेकेंड, तो बी ऑप्शन. तो ये कहां से पढ़ना आपको? अगेन मॉडर्न हिस्ट्री. कहां से पढ़ना आपको? अगेन मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ना दोस्तों, ठीक है. अब देखिए दोस्तों आगे बोला है, द वाइल्ड एस सेंचुरी इन इंडिया, ये सेंचुरी कहां पे है दोस्तों? अगर आपने अमिताभ बच्चन की टूरिज्म की एड देखी हो तो उन्होंने रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है वहां पे इन्होंने क्या किया है, उसकी एड करी है. तो रन ऑफ कच्छ में आपको वाइल्ड एस सेंचुरी मिलती है. तो आंसर क्या है इसका? सी. लेकिन अप्रोच, टॉपिक कौन सा पूछा? टॉपिक कहां से दोस्तों? सिंपल है, वाइल्ड लाइफ. कहां से दोस्तों? वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ में आपको नेशनल पार्क्स कवर करने हैं इंडिया के, सेंचुरीज कवर करनी है इंडिया की, और आपको और क्या कवर करना है? सेंचुरीज, नेशनल पार्क के अलावा आपको पढ़ना है बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये फिर किसका टॉपिक आ गया आपका? ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का. तो इंडियन ज्योग्राफी में आप नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व कवर करेंगे. अगर एनवायरमेंट इकोलॉजी हुआ तो उसमें भी ये क्या हो जाता है? कवर हो जाता है. तो आपको इंडिया के नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ने ही पढ़ने हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. याद रहेगा कौन कौन से क्वेश्चंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. अब देखिए, तो मेगास्थीन, हम क्वेश्चन देख रहे हैं, मेगास्थीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच किंग. तो यहां पे आंसर चंद्रगुप्त ही है, बट यहां पे ऑप्शन देखो, चंद्रगुप्त दो है, एक लिखा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, एक लिखा चंद्रगुप्त मौर्य. तो आप थोड़ा सा परेशान हो चुके आंसर कौन सा होगा. तो यहां पे आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. किससे? मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. और अशोक जो थे, अशोक ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. इन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थीन ने इंडिया में विजिट किया था. ही वॉज वेरी फेमस ट्रेवलर. नाउ हु वॉज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो ही वॉज किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. इसका इससे कोई लेना देना नहीं है. इसमें आपको क्या पता चला? इसमें आपको पता चला कि जो भी इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स जिस जिस किंग के टाइम पे आए आपको वो भी पढ़ना है, चाहे वो आपको कोई भी एंशिएंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो. जो भी इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स इंडिया में विजिट कर रहे हैं, किस किस राजा के टाइम पे विजिट कर रहे हैं, आपको यह भी क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों. चले हम आगे. चलो दोस्तों अब देखिए हिस्ट्री, देखिए अब मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए. तीन क्वेश्चंस थे ऑलरेडी, अभी दो क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिए, तीसरा क्वेश्चन है. इन्होंने बोला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनिशियली एन एसोसिएट ऑफ गांधी, ही लेफ्ट द कांग्रेस, ब्रोक ऑफ विद गांधी एंड लॉन्च्ड ए रेडिकल सोशल मूवमेंट नेम्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. तो आप याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ईवी रामास्वामी नायकर. क्या आंसर होगा? ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्होंने तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया था, ठीक है, तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया था. अब ये मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे पूछ रहेगा? मैं आपको बता दूं, आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते तो वहां पे एक है सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट. क्या है? सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट. इस सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ब्रह्म समाज के बारे में, उसके बाद आर्य समाज के बारे में, देव समाज के बारे में, सत्य शोधक समाज के बारे में. अच्छा, यहाँ पे ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ट्रूथ सीकर सोसाइटी, जिसको हिंदी में बोलते थे सत्य शोधक समाज. तो ये ईवी रामास्वामी नायकर और जो ज्योतिबा राव फूले ने जो मूवमेंट स्टार्ट करी थी, उनको हम क्या बोलते थे? लोअर कास्ट मूवमेंट बोलते थे. बिकॉज दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू गिव राइट्स टू द वुमेन, वुमेन हु बिलोंग, वुमेन एंड द पीपल हु बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट. ठीक है, समझ आ रहा है आपको? देखो मॉडर्न हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन आ गया. ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कौन सी ऐसी मूवमेंट है जिसको एकदम बंद करना पड़ा, किस इंसिडेंट की वजह से? चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से. तो दोस्तों चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन द ईयर 1922.
इस इंसिडेंट से पहले गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरे इंडिया में लॉन्च करा था, जब ये चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ जिसमें 22 पुलिस वालों को मार दिया गया, तो गांधी जी परेशान हुए और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया, एब्रप्टली एंड कर दिया। दोस्तों क्लियर है? दोस्तों कोई टेंशन तो नहीं। देखो मॉडर्न हिस्ट्री, अगेन मॉडर्न हिस्ट्री, समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक बार आप अगर मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में क्लाइमेट पढ़ेंगे तो आपको यह क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, आपको ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा कि मैंगो शावर्स जो एग्जाम्पल है प्री मॉनसून शावर्स की भी, इनको प्री मॉनसून शावर्स भी बोलते हैं, ये आपको किस स्टेट्स में मिलेंगे? तो याद है साउथ में, कर्नाटका एंड केरला में। मैंगो शावर्स के अलावा मैंने चेरी ब्लॉसम्स की बात भी की थी, ठीक है, उसके बाद मैंने टी शावर्स की बात भी की थी क्लाइमेट ऑफ इंडिया में। और इस बार जो मैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया जेकेपीएसआई में पढ़ाऊंगा वो और डीप में है, वो इस तरीके से, और उसका एक वीडियो अनलॉक्ड भी है, आप जाके उसमें देख सकते हो आपको और डीपली क्लाइमेट ऑफ इंडिया का क्या दिया जाएगा, नजरिया दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया हमारी, राइट। तो बोलते हैं तमिलनाडु की सबसे मेजर रिवर कौन सी है, आप मेरे लेक्चर सीरीज देखो रिवर्स का, आपको उसमें वापस क्लियर हो जाएगा आंसर, आपको सीधा पता चलेगा आंसर इज कावेरी। मतलब हमें इंडियन रिवर सिस्टम भी पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन रिवर सिस्टम में हमें हिमालय रिवर्स भी पढ़ने हैं, हमें पेनिनसुलर रिवर्स भी पढ़ने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चले हम आगे। अब देखिए, अब सिर्फ ज्योग्राफी चल रही है, तो अगर आप देखेंगे तो मैंने ये अंदाजा लगाया हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, जिससे मैं डील करने वाला हूं, उसके अराउंड 30 क्वेश्चन आए थे, और पॉलिटी जो शोएब सर डील करेंगे उसके अराउंड 10-15 क्वेश्चंस हैं। तो आप समझ रहे हो कि इनका वेटेज कितना है। तो इस बार जर्नल स्टडीज को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है भाई, आपको कोई भी लूप होल नहीं छोड़ने दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, बोला वुलर लेक की फॉर्मेशन कैसे हुई, तो वुलर लेक की फॉर्मेशन बेसिकली क्या हुई, इट इज बेसिकली टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। वुलर लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, वुलर लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑक्सबो लेक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इससे आपको क्या पता चला, आपको रिवर्स तो पढ़नी पड़नी है, साथ में लेक्स भी पढ़नी है। क्या पढ़नी है दोस्तों, लेक्स भी पढ़नी, शाबाश। अब Hello everyone and welcome to Wings Jai Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. Wings आपके लिए लेके आया है mentoring cum coaching course. यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपरली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो आप याद रखोगे वो आंसर है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ये कौन से टॉपिक से उठाया है, टॉपिक है दोस्तों क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो अभी मैंने आपको ज्योग्राफी का क्या क्या बता दिया पढ़ने के लिए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन रिवर्स, इंडियन लेक्स, और उसके बाद क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप नहीं भूलोगे। देखिए वापस नेक्स्ट पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्या है कि कौन सी वाटर बॉडी है जो श्रीलंका को इंडिया से डिवाइड करती है, तो उसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, उसका आंसर रहेगा पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्ना। जो दोस्तों गल्फ ऑफ खंबत है ये गुजरात में है, पाल्क स्ट्रेट तो आंसर सही है लेकिन गल्फ ऑफ खंबत गुजरात में है, तो ये आंसर होगा नहीं। गल्फ ऑफ मन्नर भी सही है लेकिन 10 डिग्री चैनल सही नहीं है। 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, मेरी वापस फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के लेक्चर्स देखो, सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार आइलैंड से, ठीक है जी, समझ गए। तो आंसर क्या रहेगा, बी। अगेन यू हैव टू स्टडी पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अप्रोच देखिए क्या है, अप्रोच कैसी रखनी है, ठीक है।
देखिए आप कितने क्वेश्चंस आए हैं। देखिए नेशनल पार्क में क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको बोला कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स, गारंटी देता हूं 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मानस नेशनल पार्क कहां पे दोस्तों? ये असम में, सिंपल। और असम में मानस के अलावा एक और आपने याद रखा, उसका नाम है काजीरंगा। बोथ आर फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोथ आर फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन अगेन। दोस्तों सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, सिंपल। ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑब्जेक्टिव क्या था, मकसद क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करने का? ईस्ट इंडिया कंपनी अपने टेरिटोरियल बाउंड्रीज को एक्सपैंड करना चाहती थी, टेरिटोरियल एक्सटेंशन करना चाहती थी। किसको? लैंड ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहती थी? कन्फिस्केट करना चाहती थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया, और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बहुत सारी स्टेट्स फंस गई, जिसमें से एक स्टेट थी झांसी, जो बाद में 1857 के रिवॉल्ट में उसने रिटेलिएट किया। यू गॉट माई पॉइंट? आप समझे दोस्तों? देखिए यहीं से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी। देखिए ज्योग्राफी का वापस क्वेश्चन आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट? कौन सा टॉपिक कौन सा है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी, याद रखिएगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी। दोस्तों मैं अभी बोल देता हूं, ज्योग्राफी आप पढ़ ही सकते एटलस के बिना। एटलस चाहिए चाहिए, और एटलस कौन सा आप लेंगे? ब्लैक स्वैम लेंगे, ये मेरा मन पसंद है, तो आप इसको ले सकते हो ब्लैक स्वैम का। इसमें आंसर क्या है दोस्तों? इसमें सिंपल आंसर है अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। कोई टेंशन दोस्तों, समझ आ रहा है? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देखिए लैंड ऑफ 1000 लेक्स और 10,000 लेक्स किसको बोला जाता था? यूरोप में एक कंट्री, उसका नाम है फिनलैंड। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए सोर्स क्या होगा, हम पर्टिकुलरली एक नोट तैयार करेंगे। तो दोस्तों आरएस एकेडमी जो मैंने अराउंड 2014 में ओपन की थी, तो जब ये रिक्रूटमेंट जेकेपीएसआई की आई थी, तो आई हैव मोर देन 350 स्टूडेंट्स इन आरएस एकेडमी, और जो फाइनल सिलेक्शन हुई थी दैट इज 47 जितना मुझे याद है। तो हम बड़े बेटर वे में इस चीज को लेके आ सकते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ, जो मेरे स्टूडेंट्स जिनके जिनको मैंने पढ़ाया, उनके साथ इंटरेक्शन करवाने वाला हूँ, जैसे मंदीप कौर। तो मंदीप कौर की जर्नी कैसे आरएस एकेडमी के थ्रू चली और किस तरीके से उसको हेल्प हुआ, तो वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप बच्चों के साथ। मनवीर सिंह इज देयर, विवेक इज देयर, अक्षय इज देयर, अनिल, ये सारे, रजनीश, ये सारे बच्चे का मैं इंटरव्यू लूंगा और आपको जरूर बताऊंगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। फिर एक बार और बोलूंगा आपको कि जो हमारा एफर्ट है आपके सिलेक्शन में, दैट इज 20%, आपका एफर्ट 80% है। हमने जो आपको पढ़ाया उसको आपने रिवाइज करके बार बार याद करना है, और उसको लेके जितने भी एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। 80% आपका एफर्ट है, 20% हम एफर्ट डालेंगे क्या कि आपको गाइड करेंगे पढ़ना क्या, जैसे मैंने आपको इस एमसीक्यूज के थ्रू गाइड किया। तो दोस्तों जरूर बोलूंगा विंग से एक उड़ान की ऐप में जाके जेकेपीएसआई का कोर्स का एक्सेस लें। इतनी मैं गारंटी देता हूं, इससे बेटर क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। तो आइए हमें ज्वाइन करिए और एसआई बनके हमारी स्टेट, हमारी यूटी ऑफ जेएंडके को सर्व करिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।